पूरे हरियाणा में अभी जो हमारे नगर पालिकाओं के नगर परिषदों के जो चुनाव चल रहे हैं, जहाँ भी होने हैं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है, तो उसका शेड्यूल आप सबको पता है, लेकिन पुणे में उसका शेड्यूल थोड़ा सा अपने हाँसी के लिए बताना चाहूँगा। हमारे हाँसी में नगर परिषद हाँसी है, म्यूनिसिपल काउंसिल हाँसी, उसके प्रधान के और उसके 27 वार्ड्स हैं, उनके मेंबर्स के सभी के इलेक्शन होने हैं। ये इलेक्शन जैसा कि आप सबको पता है 19 तारीख को होने हैं। आवाज़ आ रही है ना? कभी 19 तारीख को इलेक्शन होंगे, लेकिन उससे पहले जो नॉमिनेशन फार्म भरने की जो डेट्स हैं वो 30/5/22 से लेकर 4/6/22 तक इनके नॉमिनेशन फार्म लिए जाएंगे। वो लिए जाएंगे यहाँ पर हमारे जो एसटीएम का जो कोर्ट है, यहाँ पर मेरे ऑफिस में उस कोर्ट रूम में लिए जाएंगे, और जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। लेकिन 2 तारीख को छुट्टी होने के कारण 2 जून को उस दिन नॉमिनेशन पेपर नहीं लिए जाएंगे। इसके बाद जो स्क्रूटनी है नॉमिनेशन पेपर्स की वो 6 जून को होगी, जो कि 11:30 के बाद होगी, उस टाइम शुरू होगी और जब उस पर चलेगी। उसके बाद 7 तारीख को, 7/6 को यानी कि 7 जून को कैंडिडेट्स अपने फार्म को विड्रॉ कर सकते हैं। जो वैलिड कैंडिडेट रहेंगे वो अपने फार्म को विड्रॉ कर सकते हैं। उसका स्थान भी यहाँ पर मेरे ऑफिस में ही मेरा कोर्ट रूम रहेगा, यानी कि एसटीएम आसी का कोर्ट रूम। 22 तारीख को काउंटिंग होगी, जिसकी जगह आपको बाद में बता दी जाएगी, और काउंटिंग सवेरे 8 बजे शुरू होगी। इसके सर अलावा आप वोट लोगों ने जो वोट पूछा, कितने हैं सर इस हमारे हाँसी में 54 बूथ रहेंगे। बार? एक नया रूल आया था इसमें, जो नोटिफिकेशन आया कल चुनाव आयोग का, उसमें ये लिखा कि भी जो जिन पर आपराधिक मुकदमे में दर्ज हैं भले ही उसमें कन्विक्शन ना हुई हो, तो उनको ब्यौरा देना पड़ेगा, वो 3 दिन 3 बार देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में हिंदी इंग्लिश, उसके बारे में थोड़ा एलाबोरेट करिए। जो कैंडिडेट्स जो जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं या उनकी सजा हो गई है, उनका उनको ब्यौरा देना पड़ेगा प्रेस में। और जो हमारे कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे 7 तारीख को, उससे लेकर इलेक्शन तक यानी कि 19 तारीख तक बीच में उन्होंने 3 बार देना पड़ेगा अखबारों में, उसकी वो रिपोर्टिंग उन्होंने हमें करनी है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी है जो हमारी रजिस्टर्ड पार्टी या अनरजिस्टर्ड पार्टी है, उसका भी अगर कोई कैंडिडेट है जिसके आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो उस पार्टी को भी हमें सूचना देनी होगी अखबारों में या टीवी पे 3 बार। सर खर्चे का ब्यौरा कैसे दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा ये खर्चे के बताइए। लिए एक हम रजिस्टर देंगे, जब कैंडिडेट हमारे यहाँ पर आएंगे, जब वैलिड कैंडिडेट हमारे पास रह जाएंगे, उनको एक खर्चे का रजिस्टर दिया जाएगा। वो जैसा कि आपको पता है, बार 2 इलेक्शन हैं, पहली बार जो हमारे प्रधान पद का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होने जा रहा है, तो जो प्रधान पद का कैंडिडेट है वो 16 लाख रुपये खर्च कर सकता है, और जो वार्ड मेंबर्स हैं वो 3.5 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। इसमें ऐसी कैटेगरी उसके का भी लिए, बताइए। उसके लिए जो है ना, उन्होंने हम रजिस्टर दे देंगे, समय समय पर हम भी चेक करते रहेंगे, हमारे मजिस्ट्रेट चेक करते रहेंगे, और 1 महीना इलेक्शन की प्रोसेस पूरे होने के 1 महीने बाद तक वो जो है ना दे सकते हैं। सर ऐसी कैटेगरी को क्या रिलैक्सेशन है इसमें खर्चे में? खर्चे में ऐसी कैटेगरी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, खर्चा सभी का उतना ही जो सरकार ने लिमिट तय करी है 16 लाख और 3.5 लाख। सिर्फ ऐसी कैंडिडेट का जो ये है, अगर उसकी जो सिक्योरिटी है, अगर वो प्रधान पद के लिए है तो उसकी सिक्योरिटी 3,000 रुपये की बजाय 1,500 रुपये रहेगी, और अगर वो वार्ड मेंबर के लिए है तो 2,000 रुपये की जगह 1,000 रुपये रहेगी। इनकी क्वालिफिकेशन और बताइए सर, इनकी सर की जनरल की एससी की ऑफिस। क्वालिफिकेशन अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन के लिए प्रधान पद के लिए या मेंबर के लिए, जनरल के लिए 10वीं पास क्राइटेरिया है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर महिला है या एससी कैंडिडेट है, जी, तो महिला है या एससी कैंडिडेट है तो उनके लिए 8वीं पास है, प्रधान पद के लिए भी और वार्ड मेंबर के लिए भी। लेकिन अगर महिला है और एससी पंच के लिए लड़ रही है, एससी महिला यानी कि, उसके लिए सिर्फ 5वीं पास है, वार्ड वार्ड के वार्ड मेंबर के लिए सिर्फ। गाड़ी को कैसा रहेगा सर, गाड़ी कितनी रख सकता है पार्षद का जो उम्मीदवार है वो और चेयरमैन का, उनके लिए गाड़ियों की संख्या? संख्या प्रधान पद के लिए 5 रहेगी और वार्ड मेंबर के लिए 2 रहेगी। ये प्रचार में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होगी वो या किस तरह की गाड़ी, आपको परमिशन सिर्फ चाहिए? 5 गाड़ियों को परमिशन दी जाएगी,
और 5 गाड़ियों को वो यूज कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा कहीं यूज करते हैं और हमारे पास कोई शिकायतें आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जो नॉमिनेशन देने के लिए आ रहा है, क्या वो काफिले के साथ आ सकता है या अकेले ही गुजरेगा? नॉमिनेशन देने के लिए जो हमारे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स हैं वही जो है नाम इसमें अलाउ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक बार संख्या देख लेंगे, अभी वो संख्या मेरे पास अभी है नहीं उपलब्ध, जो कि मुझे लगता है 5 या 4 होते हैं वो, लेकिन हम यहाँ पर जो है ना लिमिटेड पर्सन को अलाउ करेंगे, बाकी जो रहेंगे वो गेट पर रहेंगे। गेट के अंदर 4 गाड़ी के लिए कोई समय सीमा भी तय की गई, शाम को इतने बजे 4 गाड़ी बंद हो जाएगी? देखिए, जो समय सीमा होती है आप सबको पता है, रात्रि के 10 बजे के बाद जो है ना जनरली प्रचार नहीं कर सकते। जो लाउड स्पीकर उनके वॉल्यूम 10 बजे के बाद, रात्रि 10 बजे के बाद कोई भी जो है ना लाउड स्पीकर यूज नहीं कर सकते। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम रहेंगे सर? सुरक्षा के लिए हमारे पुख्ता प्रबंध हैं और हम इस बारे में SP मैडम के साथ मीटिंग करके और कोशिश करेंगे कि हमारे जो इलेक्शन है वो बिल्कुल निष्पक्ष हो और किसी प्रकार की कोई भी कहीं पर कोई असामाजिक गतिविधि ना घटित हो। सर, आरक्षित वार्ड और बता दीजिए कितनी आरक्षित हैं, कितनी BC की हैं, कितनी SC की हैं, कितनी जनरल की हैं, कितनी महिलाओं की हैं? हमारे 5 वार्ड आरक्षित हैं SC कोटे के लिए, जिसमें वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 26 ये SC मेल के लिए हैं, वहाँ पर फीमेल भी लड़ सकती हैं, लेकिन जो वार्ड नंबर 1 और 27 है वो सिर्फ SC फीमेल के लिए हैं। जो रिजर्व वुमेन के लिए हैं वो वार्ड नंबर 4, 10, 12, 16, 17, 21 और 22 ये वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। सर, कई बार देखा गया पार्षद BC के लिए कोई वार्ड इसमें रिजर्व नहीं है। सर, चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया था पहले भी, होर्डिंग की तो इंकार ही होगी सर, होर्डिंग लग पाएगी या नहीं लगाएगी? होर्डिंग देखिए, उनके लिए हम जगह चिन्हित करेंगे, जगह चिन्हित करने के बाद ही उस जगह पे ही होर्डिंग लगा पाएंगे, उसके अलावा हम कहीं होर्डिंग नहीं लगाने देंगे। तो फिलहाल जो शहर में जो पॉलिटिकल जो होर्डिंग लगे हुए हैं, क्या उनको उतारेगा प्रशासन? बिल्कुल, प्रशासन को उतारेगा, रूल उतारने के निर्देश दे दिए गए। सर, कई बार उम्मीदवार पैसे वगैरह और शराब आदि का सहारा लेता है, उससे आप कैसे निपटेंगे? जैसे हमारे पास शिकायतें आएंगी, हमारे जो है ना स्टाफ जो डिप्लॉय होगा वो स्टाफ तुरंत उस पर कार्रवाई करेगा और हम कोशिश करेंगे जो इलेक्शन है बिल्कुल फ्री एंड फेयर जो है ना तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जो है ना। चेक एंड बैलेंसेज, इनकी इनकम पे, इनके खर्चे पे कैसे, क्या टीम गठित किया हमने? बिल्कुल, ये टीमें अभी गठित की जाएंगी क्योंकि अभी जो है ना प्रोग्राम आया है अभी और इलेक्शन के लिए, क्योंकि अभी जो हमारी डेट्स हैं वो फिक्स अभी हुई हैं और इलेक्शन जो 7 तारीख को कैंडिडेट्स हमारे फाइनल हो जाएंगे, तो जब तक जो है ना हम सभी जो आप ये जो जिक्र कर रहे हैं इसको भी हम लागू करने की कोशिश। झाड़ू के ऊपर भी सर की बात था कि आम आदमी पार्टी का सिंबल जो है वो रहेगा ही, जनरल के लिए खुला रहेगा, इस बारे में अभी मेरे पास अभी कोई गाइडलाइन विशेष अभी है नहीं, फिलहाल जैसे ही कोई आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा। योर एलिब्रेटिंग इन द कैपेसिटी ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर सर? या रिटर्निंग ऑफिसर। सर, मीडिया को कवरिंग करने के लिए कोई पास वगैरह दिए जाएंगे सर, कैसे मीडिया को कवर कर सकते? मीडिया के लिए हम पास जारी करवा देंगे, मीडिया के लिए जहाँ लिमिटेशन जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक, जैसे आप सभी इलेक्शन में करते रहते हैं वहाँ तक ही जा पाएंगे, उसके आगे जो है ना वो नहीं जा पाएंगे। यानी कि आप सबको बता दें मतलब सीक्रेसी ऑफ वोटिंग जो है ना वो हमें ये APR साहब ज़्यादा बता पाएंगे, आप बताइए। बता दो सर, PR साहब। इसके अलावा मैं आम जनता से एक अनुरोध करूँगा कि आने वाली 19 तारीख को आप सभी के बहकावे में आइए, लोभ में आइए, लालच में आइए, अपनी वोट राजनीति से, अपनी वोट धर्म से, अपनी वोट जात से ऊपर उठकर अपने वोट का प्रयोग करिए। आप के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव हो तो आप हमें जरूर सूचना दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। सर, वोटर कुल कितने हैं? आपने तो काम किया है इसमें, वोटर और बता दीजिए। हमारे टोटल वोटर्स हैं 63,078 वोट हैं, जिसे महिलाओं के 29,794 हैं और पुरुषों के लिए 33,284। बूथ कितने बड़े थे उसकी आगे का? बूथ हमारे पास 54 बूथ बनेंगे। EVM कितनी है और कितने स्पेयर में रखेंगे सर? हमारे पास पूरी EVMs हैं, 108 हमारे चाहिए, 54 जो है ना हमारे बूथ हैं टोटल, तो एक बूथ पे 2 EVM चाहिएंगी, एक प्रधान पद के लिए, एक वार्ड मेंबर के लिए, 108 है, उसके 10% एक्स्ट्रा हमारे पास जो है ना पूरी सफिशेंट जो मात्रा में EVMs अवेलेबल है। आपकी रिहर्सल्स कब से शुरू हो जाएंगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की और पोलिंग पार्टी? वो जैसे हमारी ड्यूटियाँ लगेंगी ऊपर से उसी टाइम जो है ना हम इसकी रिहर्सल शुरू कर देंगे। पूरे हरियाणा में अभी जो हमारे नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के
जो चुनाव चल रहे हैं जहाँ भी होने हैं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है तो उसका शेड्यूल आप सबको पता है, लेकिन पुणे में उसका शेड्यूल थोड़ा सा अपने हाँसी के लिए बताना चाहूँगा। हमारे हाँसी में नगर परिषद हाँसी है, म्यूनिसिपल काउंसिल हाँसी, उसके प्रधान के और उसके 27 वार्ड्स हैं उनके मेंबर्स के सभी के इलेक्शन होने हैं। ये इलेक्शन जैसा कि आप सबको पता है 19 तारीख को होने हैं। आवाज़ आ रही है ना कभी? 19 तारीख को इलेक्शन होंगे, लेकिन उससे पहले जो नॉमिनेशन फार्म भरने की जो डेट्स हैं वो 30/5/22 से लेकर 4/6/22 तक इनके नॉमिनेशन फार्म लिए जाएंगे। वो लिए जाएंगे यहाँ पर हमारे जो एसटीएम का जो कोर्ट है यहाँ पर मेरे ऑफिस में, उस कोर्ट रूम में लिए जाएंगे। और जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। लेकिन 2 तारीख को छुट्टी होने के कारण 2 जून को उस दिन नॉमिनेशन पेपर नहीं लिए जाएंगे। इसके बाद जो स्क्रूटनी है नॉमिनेशन पेपर्स की वो 6 जून को होगी, जो कि 11:30 के बाद होगी, उस टाइम शुरू होगी और जब स्क्रूटनी उस पर चलेगी। उसके बाद 7 जून को कैंडिडेट्स अपने फार्म को विदड्रॉ कर सकते हैं, जो वैलिड कैंडिडेट रहेंगे वो अपने फार्म को विदड्रॉ कर सकते हैं। उसका स्थान भी यहाँ पर मेरे ऑफिस में ही मेरा कोर्ट रूम रहेगा, यानी कि एसटीएम हाँसी का कोर्ट रूम। 22 तारीख को काउंटिंग होगी, जिसकी जगह आपको बाद में बता दी जाएगी, और काउंटिंग सवेरे 8 बजे शुरू होगी। इसके अलावा आप लोगों का जो हमारे हाँसी में 54 बूथ रहेंगे। इस बार एक नया न्यूज आया था जिसमें जो नोटिफिकेशन आया कल चुनाव आयोग का, उसमें ये लिखा कि भी जो जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं भले ही उसमें कन्विक्शन ना हुई हो तो उनको ब्यूरा देना पड़ेगा, वो 3 बार देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में हिंदी इंग्लिश, उसके बारे में थोड़ा सेलिब्रेट करिए। जो कैंडिडेट्स जो जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं या उनकी सजा हो गई है उनका उनको ब्यौरा देना पड़ेगा प्रेस में, और जो हमारे कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे 7 तारीख को उससे लेकर इलेक्शन तक यानी कि 19 तारीख तक बीच में उन्होंने 3 बार देना पड़ेगा अखबारों में, उसकी और रिपोर्टिंग उन्होंने हमें करनी है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी है जो हमारी रजिस्टर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड पार्टी है उसका भी अगर कोई कैंडिडेट है जिसके आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तो उस पार्टी को भी हमें सूचना देनी होगी अखबारों में या टीवी पे 3 बार। सर खर्चे का ब्यौरा कैसे दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा? खर्चे के लिए एक हम रजिस्टर देंगे जब कैंडिडेट हमारे यहाँ पर आएंगे, जब वैलिड कैंडिडेट हमारे पास रह जाएंगे उनको एक खर्चे का रजिस्टर दिया जाएगा। वो जैसा कि आपको पता है बार 2 इलेक्शन है, पहली बार जो हमारे प्रधान पद का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होने जा रहा है, तो जो प्रधान पद का कैंडिडेट है वो 16 लाख रुपये खर्च कर सकता है और जो वार्ड मेंबर्स हैं वो 3.5 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। इसमें ऐसी उसके लिए जो है ना उन्होंने हम रजिस्टर दे देंगे, समय समय पर हम भी चेक करते रहेंगे, हमारे मजिस्ट्रेट चेक करते रहेंगे, और 1 महीना इलेक्शन की प्रोसेस पूरे होने के 1 महीने बाद तक वो जो है ना दे सकते हैं। सर ऐसी कैटेगरी को क्या रिलैक्सेशन है इसमें खर्चे में? ऐसी कैटेगरी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, खर्चा सभी का उतना ही जो सरकार ने लिमिट तय करी है 16 लाख और 3.5 लाख। सिर्फ ऐसी कैंडिडेट का जो ये है अगर उसकी जो सिक्योरिटी है, अगर वो प्रधान पद के लिए है तो उसकी सिक्योरिटी 3,000 रुपये की बजाय 1,500 रुपये रहेगी, और अगर वो वार्ड मेंबर के लिए है तो 2,000 रुपये की जगह 1,000 रुपये रहेगी। इनकी क्वालिफिकेशन और बताइए सर, इनकी जनरल की एससी की? क्वालिफिकेशन अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के लिए प्रधान पद के लिए या मेंबर के लिए, जनरल के लिए 10वीं पास क्राइटेरिया है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर महिला है या एससी कैंडिडेट है तो उनके लिए 8वीं पास है प्रधान पद के लिए भी और वार्ड मेंबर के लिए भी। लेकिन अगर महिला है और एससी पंच के लिए लड़ रही है, एससी महिला यानी कि, उसके लिए सिर्फ 5वीं पास है वार्ड मेंबर के लिए सिर्फ। गाड़ी को कैसा रहेगा सर, गाड़ी कितनी तक का है, पार्षद का जो उम्मीदवार है वो चेयरमैन का उनके लिए? गाड़ियों की संख्या, गाड़ियों की संख्या प्रधान पद के लिए 5 रहेगी और वार्ड मेंबर के लिए 2 रहेगी। ये प्रचार में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी वो या किस तरह की गाड़ियों को परमिशन? सिर्फ 5 गाड़ियों को परमिशन दी जाएगी
और 5 गाड़ियों को ही वो यूज कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा कहीं यूज करते हैं और हमारे पास कोई शिकायतें आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जो नॉमिनेशन देने के लिए आ रहा है, क्या वो काफिले के साथ आ सकता है या अकेले ही घुस सकता है? नॉमिनेशन देने के लिए जो हमारे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स हैं वही जो है ना हम इसमें अलाउ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक बार संख्या देख लेंगे, अभी वो संख्या मेरे पास अभी है नहीं उपलब्ध, जो कि मुझे लगता है 5 या 4 होते हैं वो, लेकिन हम यहाँ पर जो है ना लिमिटेड पर्सन को अलाउ करेंगे, बाकी जो रहेंगे वो गेट पे रहेंगे। सर, प्रचार गाड़ी के लिए कोई समय सीमा भी तय की गई, शाम को इतने बजे प्रचार गाड़ी बंद हो जाएगी? देखिए, जो समय सीमा होती है आप सबको पता है, रात्रि के 10 बजे के बाद जो है ना जनरली प्रचार नहीं कर सकते। लाउडस्पीकर के बाद, रात्रि 10 बजे के बाद कोई भी जो है ना लाउडस्पीकर यूज नहीं कर सकते। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम रहेंगे सर? सुरक्षा के लिए हमारे पुख्ता प्रबंध हैं और हम इस बारे में एसपी मैडम के साथ मीटिंग करके और कोशिश करेंगे कि हमारे जो इलेक्शन है वो बिल्कुल निष्पक्ष हो और किसी प्रकार की कोई भी कहीं पर कोई असामाजिक गतिविधि ना घटित हो। सर, आरक्षित वार्ड और बता दीजिए, कितने आरक्षित हैं, कितने बीसी की हैं, कितने एससी की हैं, कितनी जनरल की हैं, कितनी महिलाओं की हैं? हमारे 5 वार्ड आरक्षित हैं एससी कोटे के लिए, जिसमें वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 26 ये एससी मेल के लिए हैं, वहाँ पर फीमेल भी लड़ सकती हैं, लेकिन जो वार्ड नंबर 1 और 27 है वो सिर्फ एससी फीमेल के लिए हैं। जो रिजर्व वुमेन के लिए हैं वो वार्ड नंबर 4, 10, 12, 16, 17, 21 और 22 ये वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। सर, कई बार देखा गया पार्षद बीसी के लिए कोई वार्ड इसमें रिजर्व नहीं है। सर, चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया था पहले भी, होर्डिंग की तो इंकारी होगी सर, होर्डिंग लग पाएंगे या नहीं लगाएंगे? होर्डिंग देखिए, उनके लिए हम जगह चिन्हित करेंगे, जगह चिन्हित करने के बाद ही उस जगह पे ही होर्डिंग लगा पाएंगे, उसके अलावा हम कहीं होर्डिंग नहीं लगाने देंगे। फिलहाल जो शहर में जो पॉलिटिकल जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, क्या उनको उतारेगा प्रशासन? बिल्कुल, प्रशासन को उतारेगा, रूल उतारने के निर्देश दे दिए गए। सर, कई बार उम्मीदवार पैसे वगैरह और शराब आदि का सहारा लेता है, उससे आप कैसे निपटेंगे? जैसे हमारे पास शिकायतें आएंगी, हमारे जो है ना स्टाफ जो डिप्लॉय होगा वो स्टाफ तुरंत उस पर कार्रवाई करेगा और हम कोशिश करेंगे जो इलेक्शन है बिल्कुल फ्री एंड फेयर जो है ना तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जो है ना चेक एंड बैलेंसेस, इनकी इनकम पे, इनके खर्चे पे कैसे, क्या टीम गठित की है? बिल्कुल, ये टीमें अभी गठित की जाएंगी क्योंकि अभी जो है ना प्रोग्राम आया है अभी और इलेक्शन के लिए, क्योंकि अभी जो हमारी डेट्स हैं वो फिक्स अभी हुई हैं और इलेक्शन जो 7 तारीख को कैंडिडेट्स हमारे फाइनल हो जाएंगे, तो जब तक जो है ना हम सभी जो आप ये जो जिक्र कर रहे हैं इसको भी हम लागू करने की कोशिश। झाड़ू के ऊपर भी सर की बात था कि आम आदमी पार्टी का सिंबल जो है वो रहेगा ही, जनरल के लिए खुला रहेगा, इस बारे में अभी मेरे पास अभी कोई गाइडलाइन से सभी है नहीं, फिलहाल जैसे ही कोई आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा। योर एलिब्रेटिंग इन द कैपेसिटी ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर सर? या रिटर्निंग ऑफिसर सर, मीडिया को कवरिंग करने के लिए कोई पास वगैरह दिए जाएंगे सर, कैसे मीडिया को कवर कर सकते हैं? मीडिया के लिए हम पास जारी करवा देंगे, मीडिया के लिए जहाँ लिमिटेशन जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक, जैसे आप सभी इलेक्शन करते रहते हैं वहाँ तक ही जा पाएंगे, उसके आगे जो है ना वो नहीं जा पाएंगे, यानी कि आप सबको बता दें मतलब सीक्रेसी ऑफ वोटिंग जो है ना वो हमें ये APRO साहब ज़्यादा बता पाएंगे, आप बताइए। बता दो सर, प्यारो साहब। इसके अलावा मैं आम जनता से एक अनुरोध करूँगा कि आने वाली 19 तारीख को आप सभी के बहकावे में ना आइए, लोभ में ना आइए, लालच में ना आइए, अपनी वोट राजनीति से, अपनी वोट धर्म से, अपनी वोट जात से ऊपर उठकर अपने वोट का प्रयोग करिए। आप के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव हो तो आप हमें जरूर सूचना दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। सर, वोटर कुल कितने हैं? आपने तो काम किया है इसमें, वोटर वो बता दीजिए। हमारे टोटल वोटर्स हैं 63,078 वोट हैं, जिसे महिलाओं के 29,794 हैं और पुरुषों के लिए 33,284। बूथ कितने बनेंगे उसकी आगे का? बूथ हमारे पास 54 बूथ बनेंगे। ईवीएम कितनी है और कितने स्पेयर में रखेंगे सर? हमारे पास पूरी ईवीएम्स हैं, 108 हमारे चाहिए, 54 जो है ना हमारे बूथ हैं टोटल, तो एक बूथ पे 2 ईवीएम चाहिएंगी, एक प्रधान पद के लिए, एक वार्ड मेंबर के लिए, 108 है, उसके 10% एक्स्ट्रा हमारे पास जो है ना पूरी सफिशेंट जो मात्रा में ईवीएम्स अवेलेबल है। आपकी रिहर्सल्स कब से शुरू हो जाएंगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की और पोलिंग पार्टी? वो जैसे हमारी ड्यूटियाँ लगेंगी ऊपर से उसी टाइम जो है ना हम इसकी रिहर्सल शुरू कर देंगे। पूरे हरियाणा में अभी जो हमारे नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के,
जो चुनाव चल रहे हैं जहाँ भी होने हैं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है तो उसका शेड्यूल आप सबको पता है, लेकिन पुणे में उसका शेड्यूल थोड़ा सा अपने हाँसी के लिए बताना चाहूँगा। हमारे हाँसी में नगर परिषद हाँसी है, म्यूनिसिपल काउंसिल हाँसी, उसके प्रधान के और उसके 27 वार्ड्स हैं उनके मेंबर्स के सभी के इलेक्शन होने हैं। ये इलेक्शन जैसा कि आप सबको पता है 19 तारीख को होने हैं। आवाज़ आ रही है ना कभी? 19 तारीख को इलेक्शन होंगे, लेकिन उससे पहले जो नॉमिनेशन फार्म भरने की जो डेट्स हैं वो 30/5/22 से लेकर 4/6/22 तक इनके नॉमिनेशन फार्म लिए जाएंगे। वो लिए जाएंगे यहाँ पर हमारे जो एसटीएम का जो कोर्ट है यहाँ पर मेरे ऑफिस में, उस कोर्ट रूम में लिए जाएंगे। और जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। लेकिन 2 तारीख को छुट्टी होने के कारण 2 जून को उस दिन नॉमिनेशन पेपर नहीं लिए जाएंगे। इसके बाद जो स्क्रूटनी है नॉमिनेशन पेपर्स की वो 6 जून को होगी, जो कि 11:30 के बाद होगी, उस टाइम शुरू होगी और जब उस पर चलेगी। उसके बाद 7 जून को यानी कि 7 जून को कैंडिडेट्स अपने फार्म को विड्रॉ कर सकते हैं। जो वैलिड कैंडिडेट रहेंगे वो अपने फार्म को विड्रॉ कर सकते हैं। उसका स्थान भी यहाँ पर मेरे ऑफिस में ही मेरा कोर्ट रूम रहेगा, यानी कि एसटीएम हाँसी का कोर्ट रूम। 22 तारीख को काउंटिंग होगी, जिसकी जगह आपको बाद में बता दी जाएगी, और काउंटिंग सवेरे 8 बजे शुरू होगी। इसके अलावा आप लोगों ने जो पूछा है सर, हमारे हाँसी में 54 बूथ रहेंगे। इस बार एक नया न्यूज आया था जिसमें जो नोटिफिकेशन आया कल चुनाव आयोग का, उसमें ये लिखा कि भी जो जिन पर अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं भले ही उसमें कन्विक्शन ना हुई हो तो उनको ब्यूरा देना पड़ेगा, वो 3 बार देना पड़ेगा न्यूज पेपर में हिंदी इंग्लिश, उसके बारे में थोड़ा सेलिब्रेट करेगा। जो कैंडिडेट्स जो जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं या उनकी सजा हो गई है उनका उनको ब्यौरा देना पड़ेगा प्रेस में। और जो हमारे कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे 7 तारीख को, उससे लेकर इलेक्शन तक यानी कि 19 तारीख तक बीच में उन्होंने 3 बार देना पड़ेगा अखबारों में, उसकी और रिपोर्टिंग उन्होंने हमें करनी है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी है जो हमारी रजिस्टर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड पार्टी है, उसका भी अगर कोई कैंडिडेट है जिसके आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तो उस पार्टी को भी हमें सूचना देनी होगी अखबारों में या टीवी पे 3 बार। सर खर्चे का ब्यौरा कैसे दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा? खर्चे के लिए एक हम रजिस्टर देंगे जब कैंडिडेट हमारे यहाँ पर आएंगे, जब वैलिड कैंडिडेट हमारे पास रह जाएंगे उनको एक खर्चे का रजिस्टर दिया जाएगा। वो जैसा कि आपको पता है बार 2 इलेक्शन है, पहली बार जो हमारे प्रधान पद का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होने जा रहा है, तो जो प्रधान पद का कैंडिडेट है वो 16 लाख रुपये खर्च कर सकता है और जो वार्ड मेंबर्स हैं वो 3.5 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। इसमें ऐसी उसके लिए जो है ना उन्होंने हम रजिस्टर दे देंगे, समय समय पर हम भी चेक करते रहेंगे, हमारे मजिस्ट्रेट चेक करते रहेंगे, और एक महीना इलेक्शन की प्रोसेस पूरे होने के 1 महीने बाद तक वो जो है ना दे सकते हैं। सर ऐसी कैटेगरी को क्या रिलैक्सेशन है इसमें खर्चे में? ऐसी कैंडिडेट कैटेगरी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, खर्चा सभी का उतना ही जो सरकार ने लिमिट तय करी है 16 लाख और 3.5 लाख। सिर्फ ऐसी कैंडिडेट का जो ये है, अगर उसकी जो सिक्योरिटी है, अगर वो प्रधान पद के लिए है तो उसकी सिक्योरिटी 3,000 रुपये की बजाय 1,500 रुपये रहेगी, और अगर वो वार्ड मेंबर के लिए है तो 2,000 रुपये की जगह 1,000 रुपये रहेगी। इनकी क्वालिफिकेशन और बताइए सर, जनरल की एससी की क्वालिफिकेशन? अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के लिए प्रधान पद के लिए या मेंबर के लिए, जनरल के लिए 10वीं पास क्राइटेरिया है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर महिला है या एससी कैंडिडेट है तो उनके लिए 8वीं पास है प्रधान पद के लिए भी और वार्ड मेंबर के लिए भी। लेकिन अगर महिला है और एससी पंच के लिए लड़ रही है, एससी महिला यानी कि, उसके लिए सिर्फ 5वीं पास है वार्ड मेंबर के लिए सिर्फ। गाड़ी को कैसा रहेगा सर, गाड़ी कितनी रख सकता है पार्षद का जो उम्मीदवार है वो और चेयरमैन का, उनके लिए गाड़ियों की संख्या? गाड़ियों की संख्या प्रधान पद के लिए 5 रहेगी और वार्ड मेंबर के लिए 2 रहेगी। ये प्रचार में जो गाड़ियां इस्तेमाल होंगी वो या किस तरह की गाड़ियों को परमिशन? सिर्फ 5 गाड़ियों को परमिशन दी जाएगी
और 5 गाड़ियों को वो यूज कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा कहीं यूज करते हैं और हमारे पास कोई शिकायतें आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जो नॉमिनेशन देने के लिए आ रहा है, क्या वो काफिले के साथ आ सकता है या अकेले ही मिसाल देंगे? नॉमिनेशन देने के लिए जो हमारे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स हैं वही जो है नाम इसमें अलाउ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक बार संख्या देख लेंगे, अभी वो संख्या मेरे पास अभी है नहीं उपलब्ध, जो कि मुझे लगता है 5 या 4 होते हैं वो, लेकिन हम यहाँ पर जो है ना लिमिटेड पर्सन को अलाउ करेंगे, बाकी जो रहेंगे वो गेट पर रहेंगे। सर, प्रचार गाड़ी के लिए कोई समय सीमा भी तय की शाम को 1 बजे प्रचार गाड़ी बंद हो जाएगी? देखिए, जो समय सीमा होती है आप सबको पता है, रात्रि के 10 बजे के बाद जो है ना जनरली प्रचार नहीं कर सकते। और जो लाउड स्पीकर उनके वॉल्यूम 10 बजे के बाद, रात्रि 10 बजे के बाद कोई भी जो है ना लाउड स्पीकर यूज नहीं कर सकते। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम रहेंगे सर? सुरक्षा के लिए हमारे पुख्ता प्रबंध हैं और हम इस बारे में SP मैडम के साथ मीटिंग करके और कोशिश करेंगे कि हमारे जो इलेक्शन है वो बिल्कुल निष्पक्ष हो और किसी प्रकार की कोई भी कहीं पर कोई असामाजिक गतिविधि ना घटित हो। सर, आरक्षित वार्ड और बता दीजिए, कितनी आरक्षित हैं, कितनी बीसी की हैं, कितनी SC की हैं, कितनी जनरल की हैं, कितनी महिलाओं की हैं? हमारे 5 वार्ड आरक्षित हैं SC कोटे के लिए, जिसमें वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 26 ये SC मेल के लिए हैं, वहाँ पर फीमेल भी लड़ सकती हैं, लेकिन जो वार्ड नंबर 1 और 27 है वो सिर्फ SC फीमेल के लिए हैं। जो रिजर्व वुमेन के लिए हैं वो वार्ड नंबर 4, 10, 12, 16, 17, 21 और 22 ये वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। सर, कई बार देखा जाए पार्षद BC के लिए कोई वार्ड इसमें रिजर्व नहीं है। सर, चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया था पहले भी, होर्डिंग की तो इंक्वायरी होगी सर, होर्डिंग लग पाएंगे या नहीं लगाएंगे? होर्डिंग देखिए, उनके लिए हम जगह चिन्हित करेंगे, जगह चिन्हित करने के बाद ही उस जगह पे ही होर्डिंग लगा पाएंगे, उसके अलावा हम कहीं होर्डिंग नहीं लगाने देंगे। तो फिलहाल जो शहर में जो पॉलिटिकल जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, क्या उनको उतारेगा प्रशासन? बिल्कुल, प्रशासन को उतारेगा, रूल उतारने के निर्देश दे दिए गए। सर, कई बार उम्मीदवार पैसे वगैरह और शराब आदि का सहारा लेते हैं, उससे आप कैसे निपटेंगे? जैसे हमारे पास शिकायतें आएंगी, हमारे जो है ना स्टाफ जो डिप्लॉय होगा वो स्टाफ तुरंत उस पर कार्रवाई करेगा और हम कोशिश करेंगे जो इलेक्शन है बिल्कुल फ्री एंड फेयर जो है ना तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जो है ना पे चेक एंड बैलेंसेज, इनकी इनकम पे, इनके खर्चे पे कैसे, क्या टीम गठित किया आपने? बिल्कुल, ये टीमें अभी गठित की जाएंगी क्योंकि अभी जो है ना प्रोग्राम आया है अभी और इलेक्शन के लिए, क्योंकि अभी जो हमारी डेट्स हैं वो फिक्स अभी हुई हैं और इलेक्शन जो 7 तारीख को कैंडिडेट्स हमारे फाइनल हो जाएंगे, तो जब तक जो है ना हम सभी जो आप ये जो जिक्र कर रहे हैं इसको भी हम लागू करने की कोशिश। झाड़ू के ऊपर भी सर विवाद था कि आम आदमी पार्टी का सिंबल जो है वो रहेगा या जनरल के लिए खुला रहेगा, इस बारे में अभी मेरे पास अभी कोई गाइडलाइन से सभी है नहीं फिलहाल, जैसे ही कोई आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा। योर एलिब्रेटिंग इन द कैपेसिटी ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर सर? या रिटर्निंग ऑफिसर सर, मीडिया को कवरिंग करने के लिए कोई पास वगैरह दिए जाएंगे सर, कैसे मीडिया को कवर कर सकते? मीडिया के लिए हम पास जारी करवा देंगे, मीडिया के लिए जहाँ लिमिटेशन से जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक, जैसे आप सभी इलेक्शन करते रहते हैं वहाँ तक ही जा पाएंगे, उसके आगे जो है ना वो नहीं जा पाएंगे, यानी कि आप सबको बता दें मतलब सीक्रेसी ऑफ वोटिंग जो है ना वो हमें ये APR साहब ज़्यादा बता पाएंगे। आप बताइए, बता दो सर PRO साहब। इसके अलावा मैं आम जनता से एक अनुरोध करूँगा कि आने वाली 19 तारीख को आप सभी के बहकावे में आइए, लोभ में आइए, लालच में आइए, अपनी वोट राजनीति से, अपनी वोट धर्म से, अपनी वोट जात से ऊपर उठकर अपने वोट का प्रयोग करिए। आप के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव हो तो आप हमें जरूर सूचना दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। सर, वोटर कुल कितने हैं? आपने तो काम किया है इसमें, वोटर और बता दीजिए। हमारे टोटल वोटर्स हैं 63,078 वोट हैं, जिसे महिलाओं के 29,794 हैं और पुरुषों के लिए 33,284। बूथ कितने बनेंगे उसकी बारी का? बूथ हमारे पास 54 बूथ बनेंगे। EVM कितनी है और कितने स्पेयर में रखेंगे सर? हमारे पास पूरी EVMs हैं, 108 हमारे चाहिए, 54 जो है ना हमारे बूथ हैं टोटल, तो एक बूथ पे 2 EVM चाहिएंगी, एक प्रधान पद के लिए, एक वार्ड मेंबर के लिए, 108 है, उसके 10% एक्स्ट्रा हमारे पास जो है ना पूरी सफिशेंट जो मात्रा में EVMs अवेलेबल है। आपकी रिहर्सल्स कब से शुरू हो जाएंगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की और पॉलिंग पार्टी? जैसे हमारी ड्यूटियाँ लगेंगी ऊपर से उसी टाइम जो है ना हम इसकी रिहर्सल शुरू कर देंगे।